कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार अभी लड़ सकता है तो कांग्रेस और राहुल गांधी लड़ सकते हैं, राजा वड़ंग जैसे नौजवान लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समूचा नेतृत्व यहां बैठा है, इनके नेतृत्व में तैयार हो जाइए। लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, भूखे भी सो जाएंगे, किसान की पगड़ी को हमेशा ऊपर लेकर जाएंगे और कांग्रेस को फिर लेकर आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। माफी चाहता हूँ, सबको बुला नहीं सकता। साथियों, मैं आपसे बेनती करूंगा कि इतिहास के पन्नों में इस तरह से नाम नहीं लिखा जाता है। जिंदगी में कुछ ना उसके खिलाफ किसान सत्याग्रह में यहाँ पर मौजूद हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ मंचासी नेतागण आदरणीय अहमद पटेल जी, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सांसदगण, विधायकगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर बैठे सभी नेता और सामने बैठे और खड़े मेरे यहाँ पर साथी हजारों की संख्या में पहुंचे किसान मजदूर नेतृत्व में राहुल जी, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो मजबूत फैसले किए, आज उसको उल्टा करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लगी हुई है कि किसान को किस तरीके से कमजोर किया जाए, मजदूर के ऊपर किस तरीके है, ये उसी का प्रतीक है। और इसलिए साथियों, अभी सचिन जी कह रहे थे कि हम और राजा भाई हम लाठी के और इस तरीके से जो है जो नौजवान विरोधी फैसले है, जो कर्मचारी विरोधी फैसले है, उनका जिस मजबूती के साथ आप लोगों ने संघर्ष और उसके सामने खड़ा होने का काम किया है, निश्चित तौर पर इतिहास लाठी हो गोली हो जैसा जान ले जाना चाहेगी। ये तो काला पानी पहुंचाने अंग्रेजों का कानून जो बनाया था, जिसको लेकर के सोनिया जी और राहुल जी ने 10 साल संघर्ष किया, उसमें परिवर्तन किया, उचित मुआवजे की बात करी, पारदर्शिता की बात करी, पुनर्स्थापना की बात करी, पुनर्वास की बात करी, ये नाम हमने बदल दिया। भूमि अधिग्रहण जो कानून है वो किस तरीके से किसान मुखी हो और उसमें सारे क्रोज में उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन अंत में यही कहते हुए कि ये आज पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, ये महापूंजीपतियों की सरकार है और इस महापूंजीपतियों की सरकार को उखाड़ने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे, सोनिया जी के नेतृत्व में करेंगे, राहुल जी के नेतृत्व में करेंगे। और एक जो जमीन स्तर के हमारे साथी को राहुल जी ने सोनिया जी ने जिम्मेदारी दी है, इनके हाथ को भी मजबूत करेंगे और प्रदेशों से लेकर के हर तरह के, मैं समझता हूँ कि जहाँ भी यूथ कांग्रेस चलेगी हम साथ चलेंगे। आप यूथ कांग्रेस के साथी आगे बढ़ो, कांग्रेस पार्टी साथ है, जब कांग्रेस पार्टी साथ है सोनिया गांधी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेवा दल के हमारे चीफ भाई महेंद्र सिंह जी को, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी आभारी हूँ। हमारे बीच में ऑस्कर फर्नांडिस जी भी है जो हमारे साथ यात्रा में भी चले और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, मैं अपनी तरफ से उनकी आपके मैं आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोगों का दिल्ली के अंदर बहुत बहुत स्वागत।